नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द लॉयर्स वेब पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टू हाउ टू ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं और आपसे बोला जाता है कि आपको एक लीगल नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, तो कैसे आप एक परफेक्ट लीगल नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे टू बी अ परफेक्ट रिप्लाई टू द लीगल नोटिस, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कि क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और इंट्रीकेसीज होते हैं व्हाइल ड्राफ्टिंग रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस, उससे पहले हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ डैट एंड इन अकॉर्डेंस विद डैट हम देखेंगे कि कैसे हम ड्राफ्ट करते हैं एक रिप्लाई लीगल नोटिस का। तो चलिए समझते हैं जो हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने जो क्रिएट किया है। तो एक कंपनी है, कंपनी एक्स, जो कि एंगेज है एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज दैट इज रिलेटेड टू द मेडिकल कोचिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे फैकल्टीज और स्टूडेंट एंगेज विथ ईच अदर फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज और एजुकेशन। They also entered into and signed contract with the faculty under the memorandum of understanding for the purpose for providing the fresh contents, course materials, questionnaire, live recorded classes and video tutorials. ये सभी चीज़ें provide करने के लिए जो memorandum of understanding के under जो company X था वो अपने faculty के साथ contract sign करते हैं। जो लीगल नोटिस जो इशूड किया गया हमारे क्लाइंट को, उसमें ये भी मेंशन किया दे आर आस्किंग फॉर अ मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ रुपीज 50 लाख पर फैकल्टी। दीज आर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड द हाइपोथेटिकल लीगल नोटिस दैट वी हैव क्रिएटेड टू अंडरस्टैंड द फर्दर हाउ टू ड्राफ्ट अ रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस। उसके बाद जो MOU एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एनुमरेटेड हैं जो कि समझना बहुत ही जरूरी है फॉर प्रोसीडिंग विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द रिप्लाई टू अ लीगल नोटिस, बिकॉज हम उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन और जो फैक्ट्स स्टेटेड हैं और जो लीगल नोटिस में जो रॉन्ग एलिगेशन लगाए गए हैं, उन सभी के मदद से हम ये एक परफेक्ट रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे। तो सबसे कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है मेंशन है, सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन जो मेंशन है अबाउट द ड्यूरेशन दैट द ड्यूरेशन ऑफ द MOU विल बी गोइंग ओवर द पीरियड ऑफ 2 years एंड द कंपनी एक्स सेल इन्वॉल्व इन डेवलपिंग अपलोडिंग मेकिंग अवेलेबल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर द फैकल्टी इज गोइंग टू अपलोड ऑन द रेगुलर बेसिस द फ्रेश कंटेंट material, questionnaire and the live recorded classes. Also, they have stated in the terms and condition of memorandum of understanding that they have no objection if their faculty is either engaged individually or with another entity. अगर वो अपने किसी काम में या किसी दूसरे entity को अगर वो अपने service provide कर रहे हैं तो उससे उन्हें कोई भी objection नहीं है and the existing other faculty were already doing same type of services for providing their services to other entities without having any objection from the owner of the company. उसके बाद ये भी जो terms and condition mention किया गया कि अगर कोई faculty over the period of 2 years कभी भी अगर वो fail करते हैं या वो एवल नहीं होते हैं कि वो रेगुलर कोर्स मटेरियल ट्यूटोरियल्स एंड क्वेश्चनायर प्रोवाइड कर सके टू द स्टूडेंट ऑन देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो जो भी उनके जो शेयर हैं आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन वो उनका डिक्रीज हो जाएगा अप टू दी 50% एंड द फैकल्टी वेयर बी इंटाइटल टू ओनली 50% ऑफ द शेयर आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे चीज़ें जो मेन टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन था, इन एडिशन टू दैट देर वन और टू मोर कंडीशन दैट हैज बीन एडेड बाय देम इन द टर्म्स ऑफ कंडीशन
जहाँ पे ये बोला गया कि अगर कोई भी पार्टी एदर इट इज कंपनी एक्स और द फैकल्टी इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट देन दे हैव टू कंपनसेट और इंडेमनीफाई जो लॉस जो जो भी लॉस होगा उसे कंपनसेट करेंगे या इंडेमनीफाई करेंगे जो पार्टी ब्रीच कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट. और दे कैन इन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड ऑल्सो ऑल दी मटेरियल दैट हैज बीन अपलोडेड, जो भी मटेरियल अपलोडेड हुए हैं उस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और जो भी फंक्शनिंग है, जो भी प्रोसीजर है, उसके जितने भी जो भी कॉपी राइट होंगे वो कंपनी एक्स के साथ वेस्टेड होंगे, उसके कंट्रोल में होंगे सारे कॉपी राइट. तो ये सारी चीज़ें जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन थे एमओयू के अंडर, जिसके अंडर जो भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फैकल्टी और कंपनी एक्स के बीच में, तो आशा है आप सभी ये समझ गए होंगे जो भी हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया, जिसके अकॉर्डिंग हम रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे लीगल नोटिस का. तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो प्रोसीजर जानेंगे और सैंपल देखेंगे कि कैसे लीगल नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो कुछ छोटे बट बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं जो मेंशन करना एक लीगल डॉक्यूमेंट में, जो लीगल डॉक्यूमेंट या रिप्लाई टू दी लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते समय मायने रखता है. सबसे पहला डेट. डेट ये डेट रिप्रेजेंट करता है कि किस डेट को आप ये जो रिप्लाई है ये सेंड कर रहे हैं टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन और एंटिटी. आफ्टर मेंशनिंग ऑफ द डेट बाय रजिस्टर्ड ईमेल इज मेंशन, ये शो करता है कि जो जो रिप्लाई भेजा जा रहा है लीगल नोटिस का, इट इज फ्रॉम द ऑथेंटिक ईमेल आईडी, ये ऑथेंटिसिटी शो करता है. आफ्टर मेंशनिंग दीज टू थिंग्स, एड्रेस ऑफ द पर्सन और एंटिटी रिसीविंग द रिप्लाई टू लीगल नोटिस, सब्जेक्ट दैट गिव्स द क्लैरिटी ऑफ द होल कंटेंट ऑफ द रिप्लाई टू द लीगल नोटिस, क्लाइंट आवर क्लाइंट नेम नेम एंड एड्रेस एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द रिप्लाई टू द लीगल नोटिस इज गोइंग टू बी सेंड. ये सभी चीज़ें मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है वाइल ड्राफ्टिंग रिप्लाई टू द लीगल नोटिस. ये सभी चीज़ें मेंशन करने के बाद स्टार्ट कर देंगे सैल्यूटेशन के साथ, जहाँ पे हम लिखेंगे डियर सर और मैडम टू होम वी आर सेंडिंग दिस रिप्लाई टू द लीगल नोटिस. आफ्टर मेंशनिंग द सैल्यूटेशन वन शुड ऑलवेज राइट द रेफरेंस नंबर. रेफरेंस नंबर इज जस्ट अ बेसिकली अ वे ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड टू द लीगल डॉक्यूमेंट्स और दैट वे बीन सेंड टू द डिफरेंट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट. ये सभी चीज़ें मेंशन करने के बाद हम बहुत ही ब्रीफली ये मेंशन करेंगे कि जो जो ये रिप्लाई भेजा जा रहा है लीगल नोटिस का, ये टोटली ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट और ये ऑन द एंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट, जो कि इन रिप्लाई हो रहा है, जो लीगल नोटिस मेरे क्लाइंट को रिसीव हुआ है इस पर्टिकुलर डेट को, जहाँ पे आपने ये रॉन्गली एलिगेशन लगाया कि माई क्लाइंट हैज ब्रीच ऑल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो जो कि साइन किया गया था अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये ब्रीफली समझा मेंशन करने के बाद उसके बाद हम ये मेंशन करेंगे कि हम ये जो भी कंटेंशन आपने जो भी एलिगेशन लगाए हैं लीगल नोटिस में, हम उस कंटेंशन को टोटली डिनाई कर रहे हैं एंड दिस डिनायल ऑफ द कंटेंशन जो है वो बेस्ड ऑन सम ऑफ द फैक्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स इन लॉ, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड होकर हम ये कंटेंशन को डिनाई कर रहे हैं. तो आगे जो भी नीचे जो भी पॉइंटर्स हमने मेंशन करेंगे वो अबाउट द जो फैक्ट्स हमने जो नरेट किए, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमने क्रिएट किए थे उसके फैक्ट्स एंड सम ऑफ द जो प्रिंसिपल जो लीगल नोटिस में जो उनके द्वारा जो इशू जो सर्व किया गया था, हमें लीगल नोटिस जो भेजा गया था उससे कुछ चीज़ें डिराइव करके हम इस्तेमाल करके ये ड्राफ्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट है उसने वो इंटर एंड साइंड कॉन्ट्रैक्ट किए विद कंपनी एक्स के साथ
अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द फ्रेश स्टडी मटेरियल वीडियो ट्यूटोरियल्स कोर्स मटेरियल क्वेश्चनायर एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल एंड दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ मेंशनिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड द इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन. ये चीज़ें मेंशन करने के बाद उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट्स में ये मेंशन करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट थे इस पर्टिकुलर डेट को उन्होंने आपके कंपनी को ज्वाइन किया और बिफोर और दूसरे एंटिटी के साथ ज्वाइन करने से पहले आपकी कंपनी से और आपकी कंपनी के ओनर से प्रायर परमिशन उन्होंने लिया एंड आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल मिलने के बाद उन्होंने अपना सर्विस किसी दूसरे एंटिटी को भी देना स्टार्ट किया. ये सभी हम फैक्ट्स स्टेट करेंगे जिससे ये क्लियर हो सके कि हमारे क्लाइंट का कहीं भी कोई गलती नहीं है फॉर द ब्रीचिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्फिडेंस. उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन करेंगे जहाँ पे जिससे ये प्रूफ होगा कि जो एक्टिविटी था वो विदिन द स्कोप ऑफ द एमओयू था एंड द क्लाइंट हैज नॉट ब्रीच द टर्म्स एंड कंडीशन एंड नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन साइंड अंडर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी एक्स. लाइक द पॉइंटर नंबर थर्ड जो कि जो क्लियरली स्टेट करता है कि जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसे कोई उन्हें कोई भी ग्रीवेंसेज नहीं था अपने फैकल्टी से एम्प्लॉय से और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो अपने सर्विस और टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और भी एंटिटी को. रैदर ही लुक दैट प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज टू अदर एंटिटी बाय हिज एग्जिस्टिंग फैकल्टी एज ए मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी. ऑल्सो जो MOU साइन किया गया था क्लाइंट के बीच में और कंपनी एक्स के बीच में वहाँ पे कहीं भी कोई भी मेंशनिंग नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंडीशन में अबाउट पेइंग ऑफ और आस्किंग ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ 50 लाख रुपीज पर फैकल्टी जो कि स्टेटेड था लीगल नोटिस जो कि सर्व किया गया था मेरे क्लाइंट को जहाँ पे उनसे ये मांगा गया कि आप 50 लाख रुपीज इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन आप पेड कीजिए जो कि टोटली कम्प्लीटली लॉजिक को डिफाई करता है जो कि कम्प्लीटली एक रॉन्ग एलिगेशन और आस्किंग फॉर ए मॉनिटरी कंपनसेशन. पॉइंटर नंबर 6, 7 और 8 है वो एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि व्हाई माय क्लाइंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन साइंड बिटवीन द कंपनी एक्स एंड माय क्लाइंट अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो द जो पॉइंटर नंबर 6 है वो स्टेट करता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि एनुमरेटेड है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्सेप्ट दिस शेयर रिसीव्ड फ्रॉम दिस सब्सक्रिप्शन नो पार्टीज शैल हैव एनी क्लेम अगेंस्ट ईच अदर ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचर व्हाटसोएवर. लेकिन जो लीगल नोटिस जो सर्व किया गया मेरे क्लाइंट को और जो भेजा गया मेरे क्लाइंट को उसमें उन्होंने आस्किंग फ्रॉम माई क्लाइंट दैट फॉर द मॉनिटरी कंपनसेशन ऑफ 50 लाख रुपीज जो कि टोटली आउटसाइड जो फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द MOU. उसके बाद 7 पॉइंटर जो है वो भी बात करता है टर्म्स एंड कंडीशन MOU के जहाँ जिसमें बात किया गया है अबाउट द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और क्लॉज के बारे में एंड द 8th पॉइंटर इज फॉलोइंग द सेम वेयर इट हैज बीन स्टेटेड दैट माई क्लाइंट हैज इज रेडी टू अटेम्प्ट इन गुड फेथ एंड ही इज द वन who is ready to initiate the legal proceeding and solve the dispute through the help of negotiation and the finalize the dispute with the help of the dispute resolution process. So this 6, 7, pointer number 6, 7, 8 gives a clear picture that he is intended to solve the dispute and he is not the one who is responsible for the breach of the contract. After that pointer number 9 summarizes the whole of the facts and the principles that has been stated in all the above 8 pointers and jo non-mentioning of monetary damages in the terms of condition of MOU wala pointer tha
या जो पॉइंटर जहाँ पे ये मेंशन था कि जो परमिशन ग्रांटेड था बाय द ओनर ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू एनी अदर एंटिटी, ये दो मेजर ऐसे पॉइंट थे जो कि प्रूव कर रहे थे कि माई क्लाइंट हैज नॉट ब्रीच द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड ऑल्सो जो भी टास्क स्क्रिप्टेड था कॉन्ट्रैक्ट में मेरे क्लाइंट ने वो टोटली फुलफिल किया है। उसके बाद पॉइंटर नंबर 10, जहाँ पे हम ये स्टेट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ऑन आवर क्लाइंट कि अगर अगर आप वांटेड टू प्रोसीड विद दी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट आवर क्लाइंट दैट हैज एज पर योर लीगल नोटिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव स्टेटेड है इन द लीगल नोटिस, देन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड इट विल अपॉन द कॉस्ट ऑफ योर क्लाइंट एंड शैल बी डील्ड विथ आवर डील्ड बाई आवर क्लाइंट एज एडवाइज्ड। सो यू हैव टू आपको एक स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करना होगा एंड वी आर हेयर टू एंड वी आर एडवाइसिंग यू टू विदड्रॉ योर लीगल नोटिस जो कि आपने इस पर्टिकुलर डेट को भेजा था। एंड आफ्टर दैट फाइनली वी हैव टू मेंशन अबाउट दी दैट माई क्लाइंट इज रिफ्यूज एनी लाइबिलिटी दैट हैज बीन स्टेटेड और बीन रॉन्गली एलिज बाई यू इन द सेड लीगल नोटिस, एंड ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट माई क्लाइंट इज डिमांडिंग एंड आस्किंग फॉर काउंटर क्लेम। द फर्स्ट काउंटर क्लेम दैट हैज बीन स्टेटेड बाई माई क्लाइंट और बीन आस्क बाई माई क्लाइंट दैट योर क्लाइंट शुड ऑफर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर अटेम्प्टिंग टू रॉन्गली एलिज माई क्लाइंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर एमओयू। सबसे पहला जो काउंटर क्लेम मेरे क्लाइंट की तरफ से ये है कि एक अनकंडीशनल माफी आपके आपके क्लाइंट की तरफ से आना चाहिए मेरे क्लाइंट को फॉर फॉर ट्राइंग टू रॉन्गली एलिज हिम और फॉर द ब्रीचिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन साइंड बिटवीन बोथ द पार्टीज अंडर एमओयू। और जो सेकेंड जो काउंटर क्लेम मेरे क्लाइंट के द्वारा मांगा जा रहा है और डिमांड किया जा रहा है वो भी एक अपॉलॉजी अनकंडीशनल अपॉलॉजी है फॉर नेग्लिजेंटली डिमांडिंग डैमेजेज ऑफ ₹50,000 फॉर फैकल्टी और ₹50,000 फॉर एज अ मॉनेटरी कंपनसेशन। तो ये दो काउंटर क्लेम है मेरे क्लाइंट के द्वारा टू योर क्लाइंट विच शुड बी फुलफिल्ड इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो माई क्लाइंट रिजर्व द राइट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट योर क्लाइंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। और अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हैं या इफ माई क्लाइंट आस्क अगर मेरे क्लाइंट मुझसे ये बोलते हैं कि टू प्रोसीड द लीगल प्रोसीडिंग देन वी विल प्रोसीड विद द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट योर क्लाइंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। सो ये एंड लास्टली आफ्टर मेंशनिंग दैट बिलो वी हैव टू मेंशन द एडवोकेट सिग्नेचर हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ये सभी चीज़ें मेंशन करने के बाद ये टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है एक परफेक्ट रिप्लाई टू लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो जहाँ पे हमने देखा कि हाउ टू ड्राफ्ट अ परफेक्ट रिप्लाई टू लीगल नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट वी हैव क्रिएटेड। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और ड्राफ्टिंग सीरीज कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू एवरीवन।